उसका पैर में प्रॉब्लम भी है। क्या नाम है दादी आपका? है? क्या नाम है? रंभा बेन। रंभा बेन, कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? गांव का नाम क्या है? गांव इधर बैठ सकता हूँ? भरत के नाम बैठ सकता है। हाँ, आपके गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम आलाना। आलाना, वो कहाँ पे आया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ये भाई मेरे को पुराता है खाना पीना सब, इधर उधर पड़ी थी रोड पे, ये भाई लाया मेरे को इधर रखा दिया, खाना पीना सब पुरता है मेरे को। ये भाई खिलाता है मेरे। अच्छा, क्या करूँ? छह बच्चे है, बच्चे का बच्चे नहीं रखते वो लोग, क्या करूँ? आज रात को निकाल दिया जाए, एक से दंड हो गया पड़ी में, ये भाई लाया उठा के इधर रख पड़ा। क्या हुआ है पैर में आपको? ये क्या हुआ है? ये पड़ी गया, एक से दंड कर डाला था थाने में, मार डाला मार, दो महीना इसमें दवा खाने में। अच्छा, दो महीना चल नहीं सकते हो आप अच्छे से? चलाता नहीं है। बरोबर। ये भाई बोला उधर पड़ी थी, भाई लाया मेरे को उठा के मेरे पास रही, बोले इधर ये खाना पीना सब पूरेगा, लता कपड़ा सब पूरा है। अच्छा, सेवा करते मेरे वाले। तो रात पे ठंडी नहीं लगती है? रात पे रात में ठंडी नहीं लगती है? नहीं भाई, ठंडी नहीं लगती। खाने से सुना था 130 की उम्र हो गई मेरी वाली, क्या करो। कितनी उम्र है? 130 का घर में चार पीढ़ी देख रही। चार पीढ़ी से देख रहे हो, 130 साल उम्र है। अच्छा, क्या करो, 27 की जब सबको खिलाती थी मैं, अच्छा किसको भी भुकाती था, कोई भी आता था तो मैं खिलाती थी। अच्छा करा मेरे को भगवान ने, ऐसा करा जाया 27 के लोग 15 बरस 35 बरस मरद मरद को मरने को हो गया। 35 साल से 35 बरस। अच्छा, सब धंधा करके खाया, पर क्या करो, बच्चे लोग को पार्क नहीं आया, चच्चा की सच्चाई की पार्क नहीं आया, नहीं वो लोग मेरी सेवा करते भाई। मैं 8 के मकान लेके दिया है, घर दार गाड़िया घोड़िया सब भैया, ऐसा गाड़िया है के पास। क्या कह रहे हो? बच्चे लोग के पास ऐसा गाड़िया है। ये भाई ने बोला कि इधर रह तू, मैं खाना पीना सब पूरेगा तेरे को। अच्छा, ऐसा आपको आना है मेरे साथ? आना है, है? मेरे साथ आना है आपको? रहता नहीं, नहीं ना, मेरे को गान गिस्ती करने का वो बैठने का नहीं आता है। आप मेरे साथ चलिए ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका पोता ही हूँ। ये लोग की इज्जत के वास्ते इधर पड़िए। तो यहाँ पे रहोगे तो इज्जत थोड़ी बढ़ेगी? आपके बेटे जो नालायक अभी देख रहे हैं उनको भी इज्जत की पड़ी होती है ना? चांगला है नहीं आते दादा भी। अरे मेरे को आज देर रात को कुछ भी हो जाएगा तो ये लोग मेरे को साथ देगा। अरे हम लोग देंगे आपको साथ यहाँ पे। नहीं दादा, तुम्हारा मेरी बात सुनो, आपको कोई तबलीग लेने की बात नहीं है, समझे मेरी बात, आपको फिकर मत करो, मैं आपका लड़का ही हूँ, समझ लो। नहीं दादा, ये लोग के लिए झगड़ा भी करा ये इसने, ये बुड्ढी ने, मैं बचपन से इतना था ना, जब से वो कमा कमा के पैसे वो लोग को दिया लड़के को। हाँ, इसके जो इसका लड़का है ना, उसके लड़के पोते होते हैं ना, क्या बोलो, कमा कमा के पैसा इसने दिया, बंगला बना के दिया, सब बना के आना, इसके लोग को अभी सुंगरा नहीं कोई। आओ मेरे साथ आ जाओ, मेरे कोई लगते नहीं दादा, कोई लगता नहीं मेरा वाला। अरे मैं लगता हूँ आपका, आप टेंशन मत लो, आपकी 130 साल की उम्र हो गई है, थोड़ा तो समझ रखो। दादी माँ को का थोड़ा दिमागी मुझे लग रहा है बीमार होने के कारण, शायद उनको लड़के लोगों से थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। दोस्तों हमारे साथ गुजरात के हमारे मित्र जयदीप भाई पटेल भी है, जो बहुत ही अच्छे फैमिली व्लॉगर है, आज एज अ गेस्ट के रूप में आज हमारे साथ ज्वाइंट हुए हैं। क्या कहोगे जयदीप भाई, आज आप जो ये कार्य कर रहे हो वो काबिले तारीफ है, मैं इतना पेशेंस नहीं रख सकता। आप जो पेशेंस रखते हो, आप जो समझाने की आप में जो समझ सकती है, थैंक यू, बहुत बहुत खुश हुआ। और मैं ये देख नहीं पाता, अगर इनके जगह पे मैं होता तो मैं नहीं देख पाता। और ये जो कर रहे हैं वो भगवान का काम कर रहे हैं, वो जो कमेंट करते हैं, जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं। हम अभी उनके घर पे गए थे, मिल के आए हैं, और स्पेशली उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, और मैं ये देख के बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, ऐसे काम करते रहिए। थैंक यू जयदीप भाई, आप भी थोड़ा समझाइए दादी को। दादी, दादी एक काम कीजिए, हम आपको अच्छा सा रूम देंगे, खाना खाना देंगे, दवाई देंगे, सब देंगे, आपको मजा आएगा। अच्छा ना लगे तो वापस आ जाना, समझे, अच्छा ना लगे तो कल आ जाना। अरे मैं गोद में उठा लेता हूँ, चलो गोद में ले ले। नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लीजिए, देखो गाड़ी इधर ले लेता हूँ मैं गोद में, गाड़ी यहीं पे है दादी, चलिए। नहीं नहीं नहीं, चलिए आपको आपको वहाँ पे जो भी चाहिए वो सब मिलेगा।
मन सो काय सांगी राय ना मन बात आई की राय का ओ उसको क्या 3 साल बहुत है वो सब बच्चे लोग के ना उसके वो बर्बाद करके पैसा दो दो तीन तीन माले का बंगले बना के दिया उसने और उसको रखते नहीं है ऐसा उसको उसका टेंशन। अरे ऐसे लड़के से तो अच्छा है कि चलो भगवान ने आज हमें आपके लिए भेजा है, इतनी ठंडी में यहाँ बाहर सोते हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, समझो मेरी बात। चलो चलो कुछ नहीं होगा, चलो कपड़ा वपड़ा गाली नहीं लग चला। इनके फैमिली में इतने सारे मेंबर्स है और इनके बंगले भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, पर किसी के साथ रहना मंजूर नहीं है। और अभी पोपट भाई की वजह से इनको होपफुली बहुत अच्छा एक आशियाना मिलेगा, वहाँ पे खाना पीना रहना दवाई दारू सब मिलेगा। तो अभी यहाँ पे ठंड में रहते, विंटर कैसे निकालोगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। बहुत हार्ड, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं गाइस, आई एम सीरियसली, मैं इतना अभी देख के मुझे ऐसा हो रहा है। ये लो गाड़ी आपकी, आई ठेली ले, आई ठेली ले पैसा उठा, धीरे धीरे चलो। तो फाइनली दोस्तों दादी माँ को सभी लोग इकट्ठा हो गए, कन्विंस किया और दादी माँ मान चुके हैं। वैसे तो हर एक व्यक्ति ऐसे मान नहीं जाते क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं होता है। इधर चलो आप, इधर इधर राइट में उठो, बैठ जाओ दादी, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, निकलते हैं। जयदीप भाई चलिए, बढ़िया लगा। और फाइनली दादी मान गए हैं और अभी उनको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी आपके वजह से बहुत अच्छा नहीं, नहीं, ईश्वर की कृपा है। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग देख रहे हैं तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हाँ। तो अभी हम दादी माँ को लेके जाते हैं, चलिए चलिए। वो तुम्हारा लड़के जैसा ही है, कोई लगती नहीं। बोल रहा मेरी बात सुनो, वो भी व्यवस्थित के उधर तुम्हारा दवा पानी सब कुछ करेगा, हाँ उधर साफ सफाई रखेगा, उधर खाना पीना सब मिलेगा, इधर से कोई ऐसा भी कोई देखने वाला नहीं, उधर आराम से, ऐसा समझो ये भी तुम्हारे लड़के ही है। आ जाइए दादी, लाओ एक मिनट, मैं उठा लेता हूँ। हाथ पीछे रखो मेरी, उतार दिया दे दादा, बस भगवान। बहुत हल्के हो आप तो, खाना नहीं खाते हो टाइम पे, खाना मिलता है टाइम पे? खाने आज खाने का बाकी है दादा। हाँ बहुत हल्का वजन है आपका, हलवा से दादी तो आओ जो दादी बराबर हो। आप मस्त नहा लो अभी, ठीक है, स्नान कर लो, फिर हम बात करते हैं आपसे। कपड़ा हाँ, कपड़े भी देते हैं आपको, जाओ बहन के साथ जाओ, कपड़े लाते। चले दोस्तों, कोई बात नहीं, अभी गवर्नमेंट की जो सुविधा है हमारी, आज सूरत के अंदर काफ़ी ऐसी व्यवस्था है जो शेल्टर होम के माध्यम से ऐसे बेघर व्यक्ति को एक रहने की व्यवस्था मिल सकती है। तो आज हम सूरत शेल्टर होम जो गोराट एरिया में है, जहाँ पे उनको दादी माँ को लेके आए, कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। यहाँ के वॉलंटियर जो भी कुछ स्टाफ है तो दादी माँ के लिए कुछ सुविधा कर दे और देखते आगे क्या होता है और आपको भी दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू। आप मस्त नहा लो अभी, ठीक है, स्नान कर लो, फिर हम बात करते हैं आपसे। कपड़ा हाँ, कपड़े भी देते हैं आपको, जाओ बहन के साथ जाओ, कपड़े लाते। चले दोस्तों, कोई बात नहीं, अभी गवर्नमेंट की जो सुविधा है हमारी, आज सूरत के अंदर काफ़ी ऐसी व्यवस्था है जो शेल्टर होम के माध्यम से ऐसे बेघर व्यक्ति को एक रहने की व्यवस्था मिल सकती है। तो आज हम सूरत शेल्टर होम जो गोराट एरिया में है, जहाँ पे उनको दादी माँ को लेके आए, कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। यहाँ के वॉलंटियर जो भी कुछ स्टाफ है तो दादी माँ के लिए कुछ सुविधा कर दे और देखते आगे क्या होता है और आपको भी दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू। चार आठ रहता मरी गया था, मैंने कहा माल चार वारी था, पाँच वारी था, काड़ी दियाली सती मैं कती फिर रात तो दारू वाला माल नहीं बना उस लिए था। अच्छा, तो दारू वाला साथ देता माल। मेरी बात सुनो, ये जो आपको पूरी व्यवस्था मिल रही है, ये जो व्यवस्था आपको मिल रही है ना, हमारी सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्था के संचालन पे आपको ये सब कुछ मिल रहा है, समझे मेरी बात।
आपको यहाँ पे कोई भी तरह का पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री में है। तो कभी भी आ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जितना रहना है आप रह सकते हो। हल्का हो गया ना शरीर? दादा 130 नवंबर से मर गई, 130 दूसरे और डबल कपड़े लाके देंगे। ओके, आपके लिए ना ये दादी कल आपको और कपड़े लाके देंगे, ठीक है? आप घबराना मत, ये आपके सब फ्रेंड लोग ही है। तुम्हारे को जो भी कुछ होगा ना प्रोग्राम, तो हम लोग को आवाज दे देने के। अरे वाह, ख्याल रखना दादी का हमारी, ठीक है? अभी क्या रोड पे इतने सारे वाहन निकलते होंगे, आपको परेशान। बोलते तो हमारे आए कोई नहीं, क्या कोई इतने आवाज आता है ना मेरा, बराबर आता है ना? हाँ, शांति से रहिए ना, आराम करिए, अब आप सो जाइए। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी कोशिश की है हमने, हमने अपने टाइम में से टाइम निकाला है, और साथ जयदीप भाई भी, जयदीप भाई ने भी अपना थोड़ा सा टाइम निकाला है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के प्रति टाइम निकालते तभी हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो जयदीप भाई, लास्ट में आप क्या कहोगे? बस इसी तरह सबको इंस्पायर करते रहिए। आई होप कि आपका देख के कोई और नया लोग आए और वो ऐसे करे। जी बिल्कुल, हमसे हो सके उतना हम ट्राई करेंगे कि आपको कभी भी, आप बस एक फ़ोन अवे है आपसे। थैंक यू सो मच, एनी टाइम। थैंक यू जयदीप भाई और उनकी पूरी फैमिली, बहुत ही अच्छा फैमिली ब्लॉगिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और हिंदी में पूरा ब्लॉग आता है, तो आप उनके यूट्यूब चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाइए और वहाँ पे भी आप उनके फैमिली ब्लॉग देख सकते हो। ऐसे और भी गेस्ट के साथ हम आपके साथ इंट्रो कराते रहेंगे, और उनके साथ हमें जो भी कुछ है हमारा सेवा का प्लेटफॉर्म है, और लोगों तक इंस्पिरेशन मिले, बस यही हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच जयदीप भाई, आपको भी थैंक यू सो मच लास्ट एंड तक देखने के लिए। बने रहना, आगे भी हम और आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।